मीडिया को हमारी सलाह है कि वो अंजना ओम कश्यप, वो रूबी का लियाकत, वो थूकता भारत, वो सुधीर चौधरी और भी कोई हो इनका, अमीश देव, ये सब आ जाए। और ये जो बताते हैं कि हम मुट्ठी भर हैं, हम किसान नहीं हैं, आए और मुजफ्फरनगर में गिनती कर लें। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो गिनती जरूर बताएं करके। और उसमें मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड और मिशन पंजाब का ऐलान होगा, और एक बहुत बड़ा ऐलान होगा। क्या होगा? 5 तारीख को बताएंगे। कोई प्रदर्शन नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा, नहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। कौन कह रहा प्रदर्शन है? तो क्या करने जा रहे हो आप? क्या क्या कर रहे? अपनी महापंचायत है तो प्रदर्शन ही है ना? फिर क्या पंचायत में प्रदर्शन नहीं होता है? पंचायत में फैसला होता है। फैसला होता है। क्या फैसला होगा? 5 तारीख को बताएंगे। अगर पंचों ने फैसला अभी बता दिया तो पंचायत करने का क्या फायदा? फैसला नहीं है तो पता चलता कि किसके खिलाफ होगा ये तो होगा। क्या खिलाफ? किसके होगा? कोई वहाँ अमेरिका के, तो ये पता होगा किसके खिलाफ? अमेरिका के खिलाफ तो होगा नहीं, हिंदुस्तान के किसानों का फैसला है, किसानों का फैसला होगा। अगर हमारे किसान आंदोलन में नहीं आ रहे तो फिर महापंचायत में भी नहीं आएंगे, बताओ। अरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी महापंचायत होगी, महापंचायत होगी, अपना आंदोलन कैसे चलाना है, आंदोलन में रोटी की व्यवस्था कैसे करनी है, आंदोलन में पानी की व्यवस्था कैसे करनी है, और सरकार हमारी बात नहीं सुन रही तो आंदोलन किस तरीके से चलाना है। केंद्र सरकार के और उत्तर प्रदेश सरकार के और उत्तराखंड सरकार के खिलाफ है। क्यों? कि तीनों काले कानून कौन लाया? एमएसपी पे गारंटी का कानून कौन देगा? जो 12,000 करोड़ रुपए हमारे गन्ने का बकाया है कौन देगा? बिजली अब पूरे भारत में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, कौन सुनेगा? तो ये सब मुद्दों पे बात होंगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मुजफ्फरनगर आप पहुंचने वाले हैं? हाँ जी, 4 तारीख को हम जा रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू भाई हैं उत्तराखंड से, उनके नेतृत्व में हमारे वहाँ से 100 गाड़ी जा रही है और बसों का भी इंतजाम कर रखा है उन्होंने। बढ़ चढ़ के हमारे वहाँ से बहुत लोग जाएंगे। कितना लोग पहुँचेंगे वहाँ, कुछ उम्मीद है? नहीं, इसकी तो कोई उम्मीद ही लगा सकते, अनगिनत लोग जाएंगे वहाँ, गिनती नहीं हो पाएगी। देखिए पूरे देश को, पूरे देश को के गोदी मीडिया को हमारी सलाह है कि वो अंजना ओम कश्यप, वो रूबी का लियाकत, वो थूकता भारत, वो सुधीर चौधरी और भी कोई हो इनका, अमीश देवगण कुत्ता, ये सब आ जाए। और ये जो बताते हैं कि हम मुट्ठी भर हैं, हम किसान नहीं हैं, आए और मुजफ्फरनगर में गिनती कर लें। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया है तो गिनती जरूर बताएं करके। जो सरकार से सवाल ना करता हो और किसान पे उंगली उठाता हो, जो किसान को खालिस्तानी कहता हो, जो किसान को पाकिस्तानी कहता हो, जो पत्रकार अय्यास जी भी कहता हो किसान को, उसको पत्रकार कहोगे? मोदी जी ने कहा ना आप लोगों की आंदोलन जीवी, क्या इस ये जो ये है जी न्यूज वाला अय्यास जी भी किसने कहा? जी न्यूज ने। अच्छा। मुट्ठी भर किसान किसने कहा? जो देश के खिलाफ है उन सब के खिलाफ महापंचायत है। अच्छा। जो देश का विरोध कर रहे हैं उन सब के खिलाफ है। जो देश विक्रेता के साथ खड़े हैं उन सब के खिलाफ है। जो देशभक्त हैं उनकी पंचायत है देश के गद्दारों के खिलाफ। कहाँ बिक रहे हैं? क्यों बरगला? क्यों, क्या चीज बचा है? क्या नहीं बचा? क्या बचा है? क्या बिका है? लाल किला। हाँ। रेल रेल आदमी जा रहे के लिए रेल कब्जा थोड़ी हो बेल सेल रेल पे कब्जा नहीं हो क्या? क्यों क्यों लोग जा रहे हैं ना उससे? कहाँ क्या जो आप बात आज तो आ भी गया है कि पटना में तो पैसेंजर ट्रेन भी प्राइवेट चलेगी। देखिए जब जनता सड़कों पे आती है, ये तानाशाही सरकार यूपीए लगा कुछ लगा उनको जेलों में ठूस देती है तो कुछ लोग डरते हैं। बहुत ज्यादा लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं। 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ की जनसंख्या जो है वो इंतजार कर रही है कि कब ना कि कब इस सत्ता को भगाने का मौका मिले और कब वो बटन दबाने का मौका मिले कि इसको हम भगाएं। और वो जनता दिखाती है
और जनता ने पश्चिम बंगाल में दिखा दिया, वो जनता अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर में दिखाएगी और फिर आगे आगे जैसे चुनाव होंगे, क्यों कि अब इनकी चाल से इन्हीं को मारना पड़ेगा। अच्छा। ये ध्यान रखना।